आज अक्टूबर 24 दिन रविवार, सबकी नजर 7:30 बजे, क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप का भारत और पाकिस्तान का मैच है। भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए सभी बेसब्री से इंतजार में है। ये 16वां मैच है जो कि शेख जायद इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में होने वाला है। अगर पिच की बात करें तो हाई स्कोरिंग पिच है, जहां पर आसानी से सेकंड इनिंग्स में चेस कर सकते हैं। एवरेज स्कोर लगभग 163 बनाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो एक तिहाई भाग दुनिया का पॉपुलेशन टीवी चलाए इस मैच पर अपनी पूरी नज़र डाले हुए है, क्योंकि इस मैच का इंतज़ार काफ़ी दिनों से लोगों में रहता है। पाकिस्तान की टीम से बाबर आजम बहुत ही अच्छे बैटर है। इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन T20 के फॉर्मेट में दिखाया है। पिछले साल में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी भी मारा है। मोहम्मद रिजवान के साथ उन्होंने ओपोनेंट को टॉप ऑर्डर में बने रहने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पर मजबूर किया है। बाबर को एकदम टॉप पर रहना पड़ेगा इस गेम को बनाए रखने के लिए, क्योंकि टीम इंडिया काफ़ी ही पावरफुल है। सबसे अच्छे बॉलर जसप्रीत बुमराह इंडिया की तरफ से खेल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से 2021 में IPL खेला था। वार्म अप गेम्स में भी ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं। अगर ये अपना रिदम पकड़ ले तो पाकिस्तान की अच्छे से धुलाई हो सकती है। आज के मैच से ऐसी संभावना है कि भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है और भारत की ही जीत होगी। आइए जानते हैं इंडिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 में कौन कौन प्लेयर्स हो सकते हैं। नंबर 1 KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, राहुल चहार या तो वरुण चक्रवर्ती। पाकिस्तान की टीम से प्लेइंग 11 के प्रेडिक्टेड प्लेयर्स के नाम हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखार जमान, मोहम्मद हफीज, सोहेब मलिक, मोहम्मद नवाज या तो हैदर अली, इमाद वासिम, शदाब खान, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हरीश रौफ।